राशिद किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी उपमा की। दोस्तों उपमा तो वैसे कई अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रोसेस से बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन आज जिस प्रोसेस को हमने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही सॉफ्टेस्ट बहुत ही आसान प्रोसेस है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करिए और सारे फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, एंजॉय कीजिए और देखिए इस रेसिपी को, आज की खास रेसिपी को। तो चलिए शुरू करते हैं उपमा बनाने की तैयारी। इसके लिए हमने सूजी ली है, ये बड़े दानों वाली सूजी है, इसको हम रवा भी बोलते हैं। और इस सूजी को हमने बहुत अच्छी तरह से सान लिया है, साफ़ कर लिया है, और इसके बाद अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं उपमा बनाने की। तो इसके लिए हम सबसे पहले सूजी को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में एक चम्मच घी लिया है और इसके बाद इसमें हम इस सूजी को डाल देंगे, चलाते रहेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, इसको जल ना पाए कोशिश ये करेंगे। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि गैस की फ्लेम लो रखेंगे और हल्की सी खुशबू आने लगेगी तब तक के लिए इसको हम चलाते रहेंगे। कलर भी चेंज होगा, जैसे जैसे सूजी सिकेगी उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हम हल्के हाथों से धीरे 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 चलाते जाएंगे और देखेंगे कि सूजी जल ना पाए। गैस की फ्लेम लो रखिएगा, लो रखने से एकदम जिस कलर की हम सूजी चाहते हैं, जिस तरह से सूजी को सिकना चाहते हैं उस तरह सिक जाएगी और आप देखेंगे कलर उसका चेंज होने लगा है। धीरे धीरे उसका कलर ब्राउनिश होने लगा है, ब्राउन होने लगा है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और तैयारी करते हैं दूसरी तरह की। इस कढ़ाई में हमने फिर से एक चम्मच घी लिया है, डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली, मूंगफली के दाने हैं, इनको फ्राई करेंगे। कच्चापन रहता है इनके अंदर, नमी रहती है, तो इसको घी के साथ अच्छी तरह से फ्राई करके हम सेक लेंगे। इसके साथ ही डालते हैं एक चम्मच से भी कम राई। राई को भी सेकना है और सेकने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि राई जब तेल में घी में फ्राई होती है तो वो चटकने लगती है, तो उसको हमें चटकना है। और इसके साथ ही हम लेते हैं थोड़ी सी चना दाल। चना दाल को भी हमें फ्राई करना है और इसके साथ ही हमने ली है उड़द दाल। दोनों दालों को आप मूंगफली और राई के साथ फ्राई कर लीजिए। फ्लेम मीडियम लो रखिए, यूज़ करेंगे तो हमें क्रंचपन का फील होगा। इसके साथ ही हमने हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। हरी मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जब ये फ्राई हो जाती है तो इसका तीखापन भी कुछ कम हो जाता है। इसके साथ ही हम डालेंगे एक और बहुत ख़ास चीज़, करी पत्ता। ये अपने आप में बहुत टेस्टी पत्ते होते हैं और इनका टेस्ट भी हमें फील भी बहुत अच्छे तरह से होता है। अब डाल दिया हमने अदरक, और अब ऐड करते हैं चॉप्ड ऑनियन। ये ऑनियन अपने उपमा में बहुत अच्छा टेस्ट देगी और आपको इसको गुलाबी बिल्कुल नहीं करना है जिस तरह से हम सब्जियों में करते हैं। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने दीजिए और बस इसी तरह से इसी प्याज को हम उसके साथ मिक्स कर देंगे, चलाते रहिए। आप देख रहे होंगे कि प्याज भी बहुत सॉफ्ट सी दिखने लगी है, बहुत हल्की हल्की सी ब्राउन सी होने लगी है। ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है इसको और बस इतना ही काफ़ी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। दोस्तों मटर वैसे आपको ताज़ी भी सीजनल मिल जाती है, अगर आपको नहीं मिलती है तो जो पैक्ड मटर आती है उस मटर का भी आप यूज़ करने से मटर का जो टेस्ट आपको मिलेगा वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही टेस्टी होगा। चला दीजिए, इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है। इसके साथ ही हमने एक छोटा सा टमाटर यूज़ किया है, उसको चॉप करके उसको भी हमने इसके साथ मिक्स कर दिया है। टमाटर के बाद
गाजर का यूज़ किया है, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े हमने किए थे और उसको भी हमने इसके साथ ऐड कर दिया है। चला देंगे, सारी सब्जियों को सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के लिए हम इनको लगातार चलाते रहेंगे, कोशिश ही करेंगे जले नहीं, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों बहुत ही अच्छी इंस्टेंट रेसिपी है ब्रेकफास्ट की, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और सभी के साथ शेयर भी करिए। हमने आपको शुरू में दिखाया था जिससे हमने सूजी ली थी उस मेजरमेंट बाउल को, और इसी बाउल में आपको पानी लेना है। जितना बाउल में हमने सूजी ली थी उसके 1/3, मतलब एक बाउल है तो 3 बाउल के बराबर पानी आपको इसमें इंसर्ट करना है। तो इस तरह से हम 3 बाउल पानी अपनी इस रेसिपी में मिला देंगे। बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिला लेंगे, चला लेंगे। पानी हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसको एक खोल आने तक गैस पर रखा रहने देंगे। साथ में हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहते हैं उतना नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक हमेशा सब्जियों में उतना ही होना चाहिए जितना हम खाते हैं, जितना हमारे हिसाब से नमक होना चाहिए। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों तक हमारी रेसिपी को ज़रूर पहुंचाइए। अब बिल्कुल बहुत तेज़ी से पानी में उबाल आ गया है। एक बार हमने उबले हुए पानी को चला दिया और अब जो सूजी हमने फ्राई करके रखी हुई थी उसको धीरे 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 इस उबलते हुए पानी में मिक्स करना है। ध्यान ये रखेंगे कि एक बार में सूजी ना डालें ताकि लम्स ना बन पाए। धीरे 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 एक बार में इसको डालते जाएंगे तो ये सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी गर्म पानी में। थिक सी होने लगी और बस यही उपमा की बहुत अच्छी पहचान होती है। देखने में तो अभी भी इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि बस खाना ही शुरू कर दो। एक बार चला देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पैन से कवर करते हैं। पैन का कवर ओपन किया, आप देख सकते हैं उपमा बिल्कुल बहुत ही लाजवाब तरीके से बनकर तैयार हो गया है। और अब इसको हम थोड़ा सा घी के साथ मिक्स करेंगे। 1 चम्मच घी डाला हुआ है, 1 चम्मच थोड़ा सा और घी डाल देंगे ताकि इसमें घी का भी सौंधापन आ जाए। और घी के बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी ऐड कर देंगे। हरी धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसके साथ अब उपमा हमारा पूरा तैयार हो गया है। फिनिश करते हैं लेमन से। 1 नींबू का आधा भाग हमें इसमें निचोड़ देना है, उसका रस मिला देना है और बस अब हमारा उपमा तैयार है प्लेट्स पर कटोरी में निकालने के लिए, सर्व करने के लिए। तो आप बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी उपमा बनकर अब तैयार है हमारे सर्व होने के लिए। दोस्तों इस तरह से हमने एक कटोरी ली और इसमें उपमा निकालते हैं सर्व करने के लिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से आज उपमा बना लिया। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से इस रेसिपी को आज हमने बना लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।